हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद माय न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ बर्गर, वो भी एक नए ट्विस्ट के साथ। देखिए कितना यमी है। चलिए देखते हैं ये बनता कैसे है। ये मैंने 3 बिग पोटैटोज बॉईल करके, ठंडा करके, छील के और उसको फिर ग्रेट किया है। ये हमारी एक बिग साइज अनियन, एक बड़े साइज की प्याज, ये ब्रेड क्रम्स है, ये 3 टेबल स्पून लिए, इसको ज्यादा नहीं लेना है। आप इसमें अपने मनपसंद की वेजीज ऐड कर सकते हैं, लाइक बीन्स, कॉर्न्स, कैरेट, जो भी आपको पसंद हो। ये ग्रीन चिली, 3 हरी मिर्चें, 4 मसाला 2 टेबल स्पून और मिक्स। रेड चिली एज पर यू टेस्ट, लाल मिर्च, सॉल्ट एज पर यू टेस्ट, लेकिन सॉल्ट थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। अब हम टिक्की बनाएंगे। थोड़ा बड़ा साइज लेंगे क्योंकि हमारी ये लावा टिक्की भी है और बर्गर के साइज में तो फिट भी होना है इसको। इसको बीच में हम गड्ढा करेंगे और ये हमारी यम्मी यम्मी मेयोनीज 1.5 चम्मच आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब मेयोनीज को इस टिक्की में हम पैक कर देंगे। वाव, आ रहा है ना अभी से मुंह में पानी। ये हमारी लावा टिक्की, पानी का हेल्प जरूर लीजिएगा आप। ये 3 चम्मच मैदा, रिफाइंड फ्लावर और कॉर्न फ्लावर, 3-3 चम्मच दोनों को लेके मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें वाटर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और एक पतली स्लरी बनाना है इसकी हमें। ये बंद कर ब्रेड क्रम्स, इसको प्लेट में हम फैला लेंगे थोड़ा। अब अपनी टिक्की को हम स्लरी में डालेंगे। अब ब्रेड क्रम्स से इसको कोट करेंगे। अब हम अपनी लावा टिक्की को फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी यम्मी यम्मी लावा टिक्की रेडी हो गई है। अब हम लावा सॉस बनाएंगे। ये 1.5 कप टोमेटो केचप है, 2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून वेनिगर, 1 टेबलस्पून शक्कर, चीनी, सॉल्ट एज पर यू टेस्ट एंड 2 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली, लाल मिर्च और पानी जितना जरूरत पड़े, क्योंकि हमें इसको अभी थोड़ा पतला करके 5-7 मिनट पकाना है। ये देखिए गाढ़ा हो गया ना, हमारा लावा सॉस रेडी है। इसे अब हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब व्हाइट सॉस, 2 कप मिल्क, 2 कप दूध, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च, सॉल्ट एज पर यू टेस्ट, नमक, ये 1/2 कप क्रीम है, अब हमारी चीज 1/2 कप। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5-6 मिनट पकाएंगे। देखिए गाढ़ी हो गई हमारी व्हाइट सॉस भी रेडी। अब बर्गर को मैंने दोनों साइड बटर लगा के सेक लिया है। अब इस पे मेयोनीज लगाएंगे। हमारी लावा टिक्की, हमारा लावा सॉस इसके ऊपर डालेंगे।
स्लाइस्ड अनियन, स्लाइस्ड टोमेटो और फिर मेयोनीज। और एक टूथपिक की हेल्प से इसको होल्ड कर देंगे। अगर आपके पास सिजलर प्लेट हो आप उसको यूज कीजिए। मैं यहाँ पे तवा यूज कर रही हूँ, इसको गर्म कर लिया और हमारा व्हाइट सॉस इसके ऊपर से जा रहा है। इतना टेस्टी लग रहा है ना, ये बहुत टेस्टी खाने में भी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा कमेंट करें।